सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11 की आरोह पुस्तक के 6 अध्याय चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती, जिसके कवि हैं त्रिलोचन, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों कवि परिचय। त्रिलोचन, मूल नाम वासुदेव सिंह हैं, जन्म सन 1917 चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर। प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देश काल, रोजना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ वे बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं। बहुभाषा विज्ञ यानी उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। कहने का मतलब है बच्चों कि त्वरा यानी कि जल्दबाजी और आवेश में आना, ये सब इनके जीवन में नहीं है। इनकी भाषा छायावादी रुमानियत से मुक्त है, उसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है, यानी कि इनकी भाषा जो है उसमें ग्रामीण अंचल का प्रभाव देखने को मिलता है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट यानी अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटिला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। तो बच्चों ये जो कविता है इसमें चंपा काले, एक तो चंपा नाम की युवती है जो कि अनपढ़ है, तो उसके अनपढ़ जो है वो शिक्षा के कोई महत्व उस शिक्षा का समझती ही नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व समझती नहीं है, इसीलिए वो जो है कवि को जो है कहती है कि जो आप मुझे शिक्षा देना चाहते हो, जो अक्षर ज्ञान आप मुझे कराना चाहते हो उसका कोई महत्व नहीं है। साथ ही साथ जो लोग काम के लिए पलायन कर जाते हैं, अपना देश छोड़ जाते हैं, अन्य शहरों में जाते हैं काम के लिए, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कवि कहता है कि चंपा काले काले यानी इनको विशेषण से युक्त भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। अक्षर का मतलब है अक्षर, कि नहीं चिंती, चिंती मतलब पहचान नहीं कर पाती, कि चंपा ये जो काले काले अक्षर हैं इनकी पहचान कर नहीं पाती है, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है और चुपचाप खड़ी खड़ी मेरे पास सुनती रहती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। उसे बड़ा अचरज का अर्थ है आश्चर्य। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये जो काले काले अक्षर हैं इनसे ये स्वर किस प्रकार से, यानी किस प्रकार से इनसे ध्वनि निकल रही है।
क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, उसे ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से अक्षरों का क्या महत्व है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा सुंदर की लड़की है, यानी चंपा के पिता का नाम क्या है बच्चों? सुंदर। और सुंदर क्या काम करता है? ग्वाला। ग्वाला यानी गाय भैंसों का पालन पोषण करने वाला। कि सुंदर एक ग्वाला है जो गाय भैंसे रखता है, और चंपा उन चौपायों, चौपायों का मतलब होता है चार पैरों वाला जानवर, यानी उन गायों और भैंसों को लेकर चरवाही, यानी बाहर जो है चरवाने के लिए, चराने के लिए लेकर उनको जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। कि चंपा अच्छी लड़की है, उसमें चंचलता है और नटखटपन भी है, यानी जिस प्रकार से एक किशोर अवस्था के बालक की जो स्थिति होती है, बालक या बालिका की बच्चों, वैसे ही गुण जो क्या है चंपा में हैं। कभी कभी ऊधम करती है, ऊधम यानी उत्पात भी मचाती है, कभी कभी वह कवि की क्या कर लेती है, कलम यानी उसकी जो लेखनी है उसको वो चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब परेशान फिर हो जाता हूँ। और कभी कभी जब मैं उसे ढूंढ कर, यानी मैं अपनी कलम ढूंढ कर ले आता हूँ, तो वो क्या करती है, उस कलम से, कलम जब ढूंढ कर लाता हूँ तो वो कागज़ को छुपा देती है और फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कि चंपा मुझे कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा यानी कि जब मैं कागज़ पर जो लिखता हूँ बच्चों, तो उसे चंपा को क्या लगता है कि मैं कुछ गोदने का काम कर रहा हूँ। कि दिन भर मैं कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ, तो वो मुझसे पूछती है कि क्या यह काम आपका अच्छा है या बुरा है। यह सुनकर मुझे हंसी आने लग जाती है, क्यों? क्योंकि वो तो अनपढ़ है और वह उसका महत्व समझती नहीं है। और फिर वो चंपा क्या करती है, और मुझे जब हंसी आती है तो वो सोचती है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए वह चुपचाप खड़ी हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। कि उस दिन चंपा जब मेरे पास आई तो मैंने चंपा से कहा कि चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, हारे गाड़े का मतलब है बच्चों कि कभी न कभी काम सरेगा, काम यानी तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। और ये जो हमारे गांधी बाबा हैं, यानी कि महात्मा गांधी के लिए कहा है बच्चों, कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, गांधी बाबा जो हैं, उनकी भी इच्छा है कि सब भारतीय जो हैं पढ़ना लिखना सीख जाए। यानी कवि जो है गांधी बाबा का नाम लेकर, यानी गांधी बाबा की इच्छा बताते हुए चंपा को जो है पढ़ने का महत्व बता रहा है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती है, क्यों? चंपा अनपढ़ है, वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझती है, इसलिए वो कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तुम कहते थे कि गांधी बाबा तो अच्छे हैं, यानी उसका मतलब था कि जो अच्छे लोग हैं वो पढ़ने की बात नहीं करते हैं। यानी वो क्या है, वो एक आम स्त्री है जो ये समझती है कि केवल बच्चों को जो है, स्त्रियों को बस घर का काम करना है और पढ़ना लिखना उनके काम की चीज़ नहीं है, इसलिए वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कि वे पढ़ने लिखने की बातें क्यों करेंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। मैंने जब चंपा से कहा कि चंपा पढ़ना अच्छी बात है, तुम पढ़ाई करो और जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तुम गोने यानी कि तुम अपने पति के साथ गोना, बच्चों गोना कहते हैं कि जब लड़की की शादी कर दी जाती है और उसको जो भी उसके माता पिता उसको कुछ भी भेंट स्वरूप जो देते हैं, वो भेंट स्वरूप देकर जब उसके उसके ससुराल भेज दिया जाता है तो उसे कहते हैं गोना। तो कवि कहता है कि जब तुम्हारी शादी होगी और तुम शादी होकर चली जाओगी, ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन बालम संग रह
संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कि कुछ दिन तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारे साथ रहकर जब कलकत्ता चला जाएगा, तो कलकत्ता क्या है, बहुत दूर है। कलकत्ता जाने से मतलब है कि वो आजीविका के लिए प्रदेश में चला जाएगा, दूसरी जगह काम करने के लिए चला जाएगा। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो कवि कहता है कि तुम उसे संदेशा किस प्रकार से भेजोगी और उसके भेजे हुए पत्रों को किस प्रकार पढ़ोगी। चंपा, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है। यानी इसमें कवि हमें जो पलायन कर जाते हैं, जो लोग पलायन की जो प्रवृत्ति है उसकी ओर भी कवि संकेत कर रहा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी। चंपा कहती है कि तुम बहुत झूठे हो, कि तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो, मैं कभी भी शादी ही नहीं करूँगी। और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बज्र गिरे। कि यदि मेरी शादी हो भी गई तो मैं सदैव अपने पति को अपने साथ में रखूंगी और उसे कलकत्ता कभी भी जाने नहीं दूंगी, कलकत्ते पर वज्रपात हो जाए, यानी वो नष्ट हो जाए। यानी चंपा जो है वो एक अनपढ़ लड़की है। तो इस कविता में जो है बच्चों, कवि अनपढ़ता का और पलायन प्रवृत्ति का की ओर संकेत कर रहा है। और कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाना चाहता है कि पढ़ना लिखना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।